और इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। 5 फरवरी 2024। आज की मुरली में बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया। बाबा ने कहा, यह पढ़ाई है द बेस्ट। इस पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम होता है। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS द बेस्ट। तुम बच्चे इस पढ़ाई से सुला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी देवता बनते हो। फिर सदा इसी खुशी और नशे में रहने के लिए कहा कि तुम बच्चे गाते हो, बाबा ब्लेसफुल है, मेहरबान है, रहम दिल है, हमारे ऊपर दया करते हैं। अब वही बाप हमारे सन्मुख आए हैं, ऐसा बेहद का बाप जो हमको 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। ऐसे बाप को याद कर कितना खुशी में रहना चाहिए। इसलिए कहा, गायन है खुशी जैसी खुराक नहीं। और कहा, बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है, अभी तुम्हें सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, इसलिए देही अभिमानी भव। फिर कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट जंक निकल जाएंगी और खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। फिर कहा, बच्चों के पुरुषार्थ से पता चल जाता है कौन बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं, अभी सबकी अवस्था नंबरवार है। फिर कहा, बाप है ही जागती ज्योति नॉलेजफुल, तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। फिर तुम बच्चों को जो अज्ञान की कुंभकरण की नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाना है, उनकी आत्मा की ज्योति को ज्ञान से जगाना है। और लास्ट में अंतिम समय की स्थिति के लिए बताया कि नेचुरल कैलेमिटीज भी अंत में बहुत मदद करेंगी। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों की अवस्था अच्छी है, पुरुषार्थ अच्छा है, वह सदा याद में रहकर खुशी की खुराक खाते रहेंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है द बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है द बेस्ट। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं नंबर वार ही सब बच्चे सतोप्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाए ना खानी पड़े, सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेंगी, आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं, हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है, यह जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है, अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे। बाबा कहते हैं, समय को पहचान लिया, बाप को पहचान लिया, बाबा के महावाक्यों को समझ गए, तो भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा। बाप की मत मिलती है, ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल ही मानते नहीं, कोटों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितने क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे, टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबर वार कोई 20 मार्क्स लेते, कोई कितने मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? बाबा कहते हैं, इतना ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला इतना ऊंच है, फिर भी नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ दुनिया में अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ एक ही मत मिलती है, यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं नंबर वार हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, यह किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तुम बच्चे भी नहीं जानते थे,
तुमको भी अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आते हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही द बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS द बेस्ट। तुम जो सोला कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब ऐसे कहते रहते हैं। समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लीसफुल हैं, मेहरबान हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आए हैं। बाबा नशा दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि जिनको तुम भक्ति मार्ग से अब तक याद करते आए हो, रहम मांगते आए हो, वह बाप अब तुम बच्चों के सन्मुख हैं। तो कितना नशा और खुशी होनी चाहिए, साथ में पढ़ाई भी कितना अटेंशन से पढ़नी चाहिए। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत हैं, लेकिन श्रेष्ठ तब बनेंगे जब श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानी करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानी करते हो। बाबा कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक बाप को याद करो। गायन भी है सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए, तब डुबोए कौन। बाबा कहते हैं तारने वाला एक बाबा है, तो डुबोता कौन है। तुमको सागर में किसने डुबोया, बच्चों से ही पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। अर्थ न समझने कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानी की है, फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं, वह मनुष्य समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं। बड़ी खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो न सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह भी जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही है दुनिया को सतो प्रधान करने, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं, सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है, अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मनाभव, यह गीता एपिसोड है ना। बाबा कहते हैं यह वही गीता ज्ञान को धारण करने का प्रैक्टिकल पार्ट अभी चल रहा है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंजारा कर दिया है, वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेजफुल समझाते हैं, इसमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है, ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है, यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग ज्ञान का धुरिया और होली। होली नज़दीक आ रही है तो बाबा होली का भावार्थ बता रहे हैं कि धुरिया मनाते हैं ज्ञान की निशानी है, और होली मनाते हैं योग की स्थिति की निशानी है। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है,
अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ, तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं, अब मेरे साथ योग लगाओ, माम एकम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, किसने बनाई? पांच विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं, यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे, पावन बनना है ना। बाबा कहते हैं, पावन तो आत्मा याद से बनेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है, सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा, अर्थात बाबा कहते हैं आत्मा की स्थिति जैसी होगी शरीर भी वैसा ही मिलेगा। खाद पड़ती है ना, अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है, देही अभिमानी भाव, देह अभिमान में आने से तुम छीछी पतित बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है, बीमारियां रोग आदि सब कुछ हैं, अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया है, मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ, कोई आते हैं कहते हैं गुरुजी का दर्शन करें, बोलो गुरुजी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहे समझाते हैं, जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवी देवता बन जाएंगे, तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएंगी, सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। बाबा कहते हैं, आत्मा सतो प्रधान पुरुषार्थ से ही बनेंगी ना, उठते बैठते चलते बाप को याद करो, क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेंगी और खुशी का पारा चढ़ेगा, तुमको कितना ज्ञान धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहाँ सतयुग में तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहरत होंगे, भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरत होते हैं, बहुत राजाए मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है, अब तो है नहीं, यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है, यह ज्ञान बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, नंबरवार ही समझेंगे, यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं, वह अवस्था पिछाड़ी में होंगी, योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है, बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है, यह ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा हमारे साथ हैं, मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ, किसी को तो सुनाएंगे ना, अर्थात ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा जब किसी को भी ज्ञान देते हैं तो बीच में मैं भी सुन लेता हूँ, किसी न किसी को तो सुनाते रहते हैं ना, ज्ञान अमृत का कलश तो माताओं को मिलता है, माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं, तुम सब सीताएं हो, राम शिव बाबा एक हैं, तुम सब आत्माएं ब्राइड्स हो, सजनियां हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम साजन, तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं, गाते भी हैं, वह बापों का बाप हैं, पतियों का पति हैं, एक तरफ महिमा करते हैं दूसरी तरफ ग्लानी करते हैं, शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजिशन सबका अलग अलग है, बाबा कहते हैं सब आत्माओं का रोल भी अलग है, पोजिशन भी अलग है, यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है, अंधेर नगरी चौपट राजा, तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया हो, तुम सबका हक लगता है, इस ब्रह्मा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की, तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले, यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हम उनसे शिव बाबा से वर्षा लेते हैं,
पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में दो बाप हैं, संगम पर है तीन बाप, लौकिक पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। इन ब्रह्मा द्वारा शिव बाप वर्षा देते हैं, इनको फिर उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे, सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। बाबा कहते हैं, यह सब ज्ञान समझना तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी हैं, अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वो भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार, कल्प कल्प नंबर वार तो सतो प्रधान सतो रजो तमो बनते हैं, ऐसा ही पद वहाँ सतयुग में मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ। बाप पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, मल समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु बाप पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं, पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो, अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके, वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं, बारूद है ही विनाश के लिए। बाबा कहते हैं, विनाश की सामग्री के लिए एक दो को उधार देते रहते हैं, परंतु यह किसी को बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागती ज्योति नॉलेजफुल, तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को भी मैं नॉलेजफुल जागती ज्योति बनाता हूँ। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको चिंतन आना चाहिए कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं, बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। बाबा अंतिम समय की बात कर रहे हैं कि ऐसा भी समय आएगा जो खाना नहीं मिलेगा, हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने, यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वह हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। दूसरा, अथा खुशी का अनुभव करना और कराना है, चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण है, मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उस समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो, बाबा कहते तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है
उस समय वह शक्ति कार्य में आती है। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएंगी। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान का प्रैक्टिकल स्वरूप बताया कि मास्टर सर्वशक्तिमान वह है कि अपने गुण और शक्तियों को जिस समय आह्वान करे वो गुण और शक्तियाँ प्रैक्टिकल स्वरूप में आ जाए। ऑर्डर किया और उसका स्वरूप बन गए। आज का स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। आज 5 फरवरी का अव्यक्त इशारा है। इशारे का टाइटल है, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। आज बाबा कहे, आप बच्चों के जीवन में विशेष 2 धारणाएं जरूर होनी चाहिए, एक मधुरता दूसरा नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। वाचा में अगर सत्यता और मधुरता है तो वाणी की मार्क्स जमा होती है। बाबा कहते हैं, मधुरता और नम्रता के गुण से हम विश्व सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन सकते हैं और बाबा को स्वयं के द्वारा सहज ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और साथ में बाबा ने कहा कि जितना वाचा में सत्यता हो उतना ही मधुरता हो तो उसकी मार्क्स जमा होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।